Firstly, discussion of multiple assessment that I sent yesterday. 5 buttons of presentation toolbar. Expand slide. Haan ji, same question Milan. 5 buttons of presentation toolbar. Slide presentation. Slide show, slide layout. Note it down. Why you people are sitting together? So many benches are empty. Chalo. ज्योति ना जाओ इधर इधर आ जाओ साइन आप भी आ गया हो आ बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है बटन्स ऑफ प्रेजेंटेशन टूल बार क्लियर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज Write the number of cells in the range E2 to E7. E2, E3, E4, E5, E6, E7. कितने हैं? So 2 से start करेंगे हम. E2, E3, E4, E5, E6, E7. तो कितने cells हैं? 6 cells. जिनको नहीं clear हो रहा ऐसे बना लो. E2, 3, 4, 5, 6, 7. तो कितने सेल्स है ये टोटल आर 6 सेल्स क्लियर नेक्स्ट आई थिंक दिस तो यू कैन सबमिट इट टुमारो कोई बड़ा काम नहीं है ये मॉर्निंग में आते ही मन्नत पहले आती है D3 से E4 नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज D3:E4 कैसे बनाओगे इसको डी ई कॉलम्स ऐसे ही होते हैं रोज कहां पे होते हैं हेयर हॉरिजॉन्टली ऑन द लेफ्ट साइड सो D3:E3 तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर 4 सेल्स हाउ मेनी सेल्स आर देयर इसको बंद करो आप क्या कर रहे हो हाँ तो द टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर 4 सेल्स क्लियर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन कल टेस्ट है कैलसी का नाउ द थर्ड क्वेश्चन आई थिंक इट वाज शॉर्टकट कीज राइट द शॉर्टकट कीज ऑफ सेव एज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस सेकेंड इंसर्ट सेल डिलीट सेल्स इंसर्ट सेल्स इज कंट्रोल प्लस प्लस डिलीट सेल कंट्रोल प्लस माइनस लास्ट इज एग्जिट कंट्रोल प्लस क्यू और क्लियर सो फर्स्ट क्वेश्चन बटन्स ऑफ प्रेजेंटेशन टूल बार देन नंबर ऑफ सेल्स इन E2 to E7 6 सेल्स देन इन दिस रेंज टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर 4 हाँ जी दिस इज डिलीट सेल दिस इज इंसर्ट सेल सेव एज एग्जिट क्लियर एग्जिट आई थिंक पता नहीं चेक करना पड़ेगा ध्यान नहीं रखो वो क्लोज की भी होती है ना डब्ल्यू डब्ल्यू सेम बात है वो सेम ही मीनिंग है क्योंकि आप एप्लीकेशन को बंद कर रहे हो हाँ जी बच्चे एनी डाउट
कल तक हो जाएगी ये? कोई डिफॉल्टर रहेगा अब इसमें? हरनूर सिंह, मेरे पास तो कोई नोटबुक नहीं, सिर्फ हरनूर की है जो आज दी है मेरे को। यू माइट बी एब्सेंट, तो मैंने चेक करके भेज दी हुई है, फिर अलमीरा चेक कर लो अपनी। आपकी कॉपी तो मैंने चेक करके भेज दी थी कल ही, आई डोंट नो। नोटबुक्स तो मैंने भेज दी है चेक करके, आई एम नॉट हैविंग एनी नोटबुक, मेरे पास कोई नोटबुक नहीं है। कल ही भेजी है मैंने तो दो नोटबुक्स, एक तो आपकी थी बीच में, आई थिंक आपके साथ ही शायद जस्टकरण की भी थी। कल दोनों कॉपीज इसी की देके गए हो ना आप? हाँ, मैंने दोनों की चेक करके कल भेजी है। वही करने लगे हैं बच्चे, चेक कर लो फिर अलमीरा में, मैंने किसी बच्चे के हाथ ही भेजी है। अब इसमें कोई डिफॉल्टर रहेगा मल्टीपल असेसमेंट में? 5 मिनट का काम है, हो जाएगा, अभी तो चाहे ब्रेक में भी कर सकते हो आप। ऑन अ टेस्ट शीट, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द रिवीजन पार्ट ऑफ कैलसी, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन सैंपल पेपर टुडे, सो नोट डाउन द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। फर्दर इज राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। रोहन इज इंटरेस्टेड इन स्टोरिंग, रोहन इज इंटरेस्टेड इन स्टोरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटेल्स, रोहन इज इंटरेस्टेड इन स्टोरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटेल्स टू परफॉर्म सम कैलकुलेशंस, लॉस अकाउंट डिटेल्स टू परफॉर्म सम कैलकुलेशंस, विच ऑफिस एप्लीकेशन शुड ही यूज, विच ऑफिस एप्लीकेशन शुड ही यूज। यू कैन राइट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, फिर ब्रैकेट में कोई एग्जाम्पल। रोहन इज इंटरेस्टेड इन स्टोरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटेल्स फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, विच ऑफिस एप्लीकेशन शुड ही यूज। आंसर इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ब्रैकेट में एनी एग्जाम्पल, एमएस एक्सेल और कैलसी, ओके। ओके, नेक्स्ट, नेम द सेल्स और हाउ मेनी सेल्स आर इन द रेंज, हाउ मेनी सेल्स आर इन द रेंज C10 टू K15, नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज C10 टू K15। बनाओ शीट, बनाओ C, D, E, F, K तक बना लिया, C से लेके K तक लिख लिया, उसके बाद आप 10 से, हाउ मेनी सेल्स आर दीज, दीज आर 6, दीज आर 6, 9 आर 54 सेल्स। ये क्वेश्चंस होंगे नहीं जब तक आप इसको ऐसे एक्सपैंड नहीं करोगे। द ओनली वे आउट इज मेक अ लिस्ट फर्स्ट, रोज एंड कॉलम, क्लियर। नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज C10 टू K15 आर 54 सेल्स, 54 सेल्स, यस बच्चे, क्लियर है आंसर कैसे आया? Yes. नेक्स्ट इज द फॉर्मूला इन द सेल D4 इज इक्विवेलेंट टू, द फॉर्मूला इन द सेल D4 इज इक्विवेलेंट टू $B $4 प्लस C4। द फॉर्मूला इन द सेल D4 इज इक्विवेलेंट टू दिस,
on copying this formula to the cell E4, on copying this formula to the cell E4, what will be the contents? Raise your hand. Ayan, करो इसको. लास्ट टेस्ट में आपको पता है ना, अब कल का टेस्ट वैसे नहीं होना चाहिए. गेट अप करो इसको. बच्चे डोंट स्पीक. अयान खड़े हो, वो इधर आओ. देखो इसको, ये क्या है? डॉलर वाले चेंज नहीं होंगे तो एज इट इज आ जाएगा. ये हेयर इट विल बी डॉलर बी डॉलर फोर प्लस. अब डी से कहां पे जा रहा है, कितना गैप है? वन. सी से यहाँ पे रो चेंज हुई है? नो. तो हेयर इट विल ऑल्सो डी फोर. किसको नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है आपको? जिसमें बच्चे डॉलर साइन है, डॉलर वाला एज इट इज आ जाएगा, इट विल नॉट चेंज, क्योंकि वो एब्सोल्यूट होते हैं. अगर आपके पास मिक्स्ड होता लाइक दिस, तो इस केस में फिर डॉलर बी ने चेंज नहीं होना था, लेकिन इसने चेंज होना था. तो अभी इस एग्जांपल में दोनों ही डॉलर्स हैं, मींस दोनों ही कंटेंट एब्सोल्यूट है, तो ये एज इट इज ही आ जाएगा. अब जिसको चेंज करना है, आपने ये देखना है कि ये कितने गैप से आगे जा रहा है. डी के बाद ही आ रहा है तो सी के बाद डी आएगा. फोर का तो फोर ही रह रहा है, तो इसलिए फोर का यहाँ पे भी सेम फोर ही आएगा. अगर यहाँ पे चेंज होता E5 होता, तो फिर यहाँ पे D5. ठीक है, क्लियर है? श्योर? नेक्स्ट एक बार फर्स्ट वाला रिपीट कर दो. द फॉर्मूला इन द सेल D4 इज इक्विवेलेंट टू डॉलर बी डॉलर फोर प्लस C4. What will be the content in the cell E4? What will be the content in the cell E4? Give the cell reference of the cell. Next question. Give the cell reference of the cell which is formed by the intersection of 16th column, 21st row. Cell reference of the cell formed by the intersection of 16th column, 21st row. Column count karo. Nobody will speak the answer. Stand up. Anji, 16th column. क्या आ रहा है? P21. एनी अदर आंसर? क्या आ रहा है आपका? P21. आपने A को 1 कंसीडर करना है. 1, 2, 3 जितना भी 16 आ रहा है काउंटिंग करते जाना है. ठीक है, ABC से तो टिल जितना भी आपका पहुंच रहा है 16th कॉलम इज P दैट इज एंड 21 रो का तो एज इट इज ही आ जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन AA. जेड के बाद क्या होता है कॉलम का नेम? हाँ, AA, AB, AC. ओके, नेक्स्ट, हाउ विल यू रेफर टू द रेंज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड कॉलम. हाउ विल यू रेफर टू द रेंज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड कॉलम 10th रो एंड स्प्रेड टिल सिक्स्थ कॉलम 10th रो. सिक्स्थ कॉलम 10th रो. पहले तो देखो सी, थर्ड का मतलब है सी. सो सी 10
कॉलन एफ ए सिक्स्थ कॉलम तो एफ सेल क्लियर। पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक सेल का एड्रेस निकालना था, इसमें हम रेंज बता रहे हैं तो रेंज हमेशा स्टार्टिंग सेल से लेके एंडिंग सेल। ओके नेक्स्ट इज केशव इज वर्किंग इन अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। केशव इज वर्किंग इन अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। He wishes to rename his sheet. Keshav is working in spreadsheet software. He wishes to rename his sheet from. He wishes to rename his sheet from sheet 1 to subject 1. अब आपको पता है ना नीचे थ्री शीट टैब्स आ रही होती हैं, शीट वन शीट टू शीट थ्री। तो बाय डिफॉल्ट ही इज वर्किंग इन शीट वन, ही वांट्स टू रीनेम दैट शीट टू द सब्जेक्ट वन। सो व्हाट विल बी द मेथड फॉर सेम, यू हैव टू टेल द मेथड हाउ ही विल रीनेम दिस। और उठ के आप आ गया हो। सो देयर आर टू मेथड्स फॉर रीनेमिंग। फर्स्ट मेथड आइदर यू कैन डबल क्लिक ऑन द शीट वन, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो कर्सर अपीयर होगा। डबल क्लिक ऑन दिस कर्सर विल अपीयर एंड यू कैन टाइप द न्यू व्हाट एवर द कंटेंट यू वांट टू टाइप। सेकंड मेथड इज यू कैन राइट क्लिक ऑन द शीट टैब, राइट क्लिक ऑन इट और राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में क्या ऑप्शन आती है, रीनेम शीट। ये सारे मेथड्स हमने प्रैक्टिकली करे थे, मैंने साथ साथ में लिखवाए थे तब भी। रीनेम शीट ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। फर्स्ट मेथड डबल क्लिक ऑन द शीट वन, कर्सर विल अपीयर, यू कैन टाइप द न्यू कंटेंट। सेकंड मेथड राइट क्लिक ऑन द शीट वन एंड देन चूज द ऑप्शन रीनेम शीट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। द ऑप्शन इज रीनेम शीट। ऐसे ही अगर आपको इंसर्ट शीट का पूछ लिया जाए तो मेथड क्या आएगा, राइट क्लिक ऑन द शीट वन जिसपे भी करना है, राइट क्लिक करके ऑप्शंस आती हैं रीनेम शीट, इंसर्ट शीट। सिमिलरली अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट शीट। तो ये आपके थ्री क्वेश्चंस बन गए साइमल्टेनियसली। ठीक है, रीनेमिंग करनी है तो ये ऑप्शन चूज करोगे, इंसर्ट करनी है न्यू शीट तो इंसर्ट शीट। फिर आगे स्टेप्स आते हैं, आपको पूछता है आपने बिफोर शीट करना है या आफ्टर शीट करना है, और सेकंड द थर्ड वन इज फॉर द डिलीट शीट। राइट, ये तीनों ऑप्शंस राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे आएंगे। सार्थक कल पास होना है ना टेस्ट में, होना है, सो बी अटेंटिव। क्लियर है, टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था ना, कल भी कर लोगे है ना, पता ही नहीं चलेगा वेयर यू आर स्टैंडिंग। चलो नेक्स्ट, सपोज सेल बी वन कंटेन्स एवरेज ऑफ अ स्टूडेंट। सपोज सेल बी वन कंटेन्स एवरेज ऑफ अ स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार डाल लो एंड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। Suppose cell B1 contains average of a student. If a student gets more than 95, if a student gets more than 95, आपको क्या बोला गया है, B1 में क्या पढ़ा है, average of a student. Okay. If a student gets more than 95, then he should be awarded as A1 grade. अगर तो उसका स्कोर A5 95 से ज्यादा आ रहा है तो उसको ग्रेड कौन सा मिले, A1. Then he should be awarded with the grade A1. Otherwise B1. Otherwise का मतलब क्या हो गया, अगर उसका 95 से लेस देन है तो उसको ग्रेड मिलेगा B. क्वेश्चन क्लियर हो गया। B1 में क्या पढ़ी है, एवरेज,
अगर स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं ग्रेटर देन 95 तो ग्रेड आएगा ए, अदरवाइज द ग्रेड इज बी. ओके, फ्रेम इफ कंडीशन अकॉर्डिंगली. फ्रेम इफ फंक्शन फॉर द सेम, एंड दिस कम्स इन टू मार्क्स. एक लाइन लिखनी है, सिर्फ दो मार्क्स में देखो पूछा गया क्वेश्चन. बनाओ इसका आंसर. इफ फंक्शन, फंक्शन को हम ब्रैकेट्स लिखते हैं ना. हाँ जी, एवरेज का क्यों फॉर्मूला लगाना है, हमने निकालनी नहीं एवरेज तो, हमने तो बनाना ही इफ है. इफ में हम कह रहे हैं अगर उसके इतने हैं तो ये मिले, अगर उसके कम है तो बी वन ग्रेड आ जाए. इफ का सिंटेक्स क्या होता है, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ इफ. इफ कंडीशन ट्रू केस फॉल्स केस, ऐसे नहीं बनाते हम इफ. तो इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, इफ किसको चेक करना है हमने, एवरेज को. एवरेज को चेक करना है किससे, चेक करना है 95 से. सो दिस विल बी अ कंडीशन, इफ बी वन इज ग्रेटर देन 95 देन मतलब सेमी कॉलन. तो अगर ट्रू है, ट्रू में उसको क्या मिले, ए वन ग्रेड, अदरवाइज अगेन सेमी कॉलन फॉर सेपरेशन, अदरवाइज उसको कौन सा ग्रेड मिले. क्लियर हुआ इस कंडीशन पर, जब तक सिंटेक्स नहीं क्लियर होगा यू कैन नॉट एबल टू डू दिस सम्स. पहले तो इसका सिंटेक्स क्लियर करो. और मिलन क्वेश्चन में कहीं पे नहीं ये लिखा कि एवरेज निकालनी है, वो तो बताया कि उसमें एवरेज पड़ी है और हमने एवरेज चेक करनी है. क्या एवरेज 95 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो ग्रेड ए वन है, कम है तो ग्रेड बी वन. क्लियर हो गया अयान, समझ लो, समझ आ गया, कोई डाउट नहीं आपको. आपने टेस्ट दोबारा से सॉल्व किया था अपना. अभी भी डाउट है तो क्लियर कर लो बच्चे, आपको क्लियर है लास्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द फाइल सेव्ड इन ओपन ऑफिस कैलसी. अनटाइटल्ड वन, डिफॉल्ट नेम ऑफ द फाइल सेव्ड इन ओपन ऑफिस कैलसी, सेव्ड इन ओपन ऑफिस कैलसी. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज सेल बी वन कंटेन्स, सेल बी वन कंटेन्स 50, सपोज सेल बी वन कंटेन्स 50, बी टू कंटेन्स 60, B1 contains 50, B2 contains 60, B3 contains 70, B1 50, B2 60, B3 70. What will be the result of the formula typed in the cell B4? What will be the result of the formula? बिना क्वेश्चंस के बाद में आपने क्या स्टडी करने है, आंसर्स. व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला टाइप्ड इन द सेल बी फोर विच इज इक्विवेलेंट टू काउंट, बी फोर इक्विवेलेंट टू काउंट बी वन कॉलन बी थ्री सेमी कॉलन थर्टी फोर्टी फिफ्टी.
What will be the result of the formula typed in the cell B4, which is equivalent to count B1 to B3, 30, 40, 50? 180? Okay. Six. Any other answer? What is the use of count function? To count the number of cells in a given range. Number of cells matlab values only. Cells ke andar value hi padhi hoti hai, content hi padha hota hai. So here it is B1 to B3. B1 to B3 means 3 cells including 3 other values are giving. So 3 ye values hai, 3 ye values hai, total comes out of 6. Values hi to count karni hai, aap total karne lag gaye the. वो तो सम होता है. काउंट मीन सिंपली काउंट द नंबर ऑफ सेल्स. सो हाउ मेनी सेल्स? 6. सो B4 विल बी हैविंग अ वैल्यू 6. सिर्फ 6. हां जी, एनी डाउट? नेक्स्ट इज सेल A1 कंटेन्स. सेल A1 कंटेन्स SUN. Cell A1 contains SUN. नीचे ये बना लो ABCD. A1 में क्या पड़ा है? SUN. Okay. Cell A1 contains sun. What will be the cell content of the cells B1, C1, D1 and E1? You have to tell the contents of the cell B1, C1, D1 and E1. If user click and drag fill handle towards the right. If user click. सन का सन सन नहीं आएगा. इट्स संडे. ये संडे की शॉर्ट एब्रीवेशन है. कईयों ने किया भी था प्रैक्टिकल. तो SUN है तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लियर? सो व्हेन यू विल फिल हैंडल इट ऑटोमेटिकली दिस सीरीज विल गेट फिल. क्लियर? तो आपने फिर नीचे आंसर चाहे बॉक्स में डाल दो, चाहे लिख दो B1 इक्वल टू दिस, C1 इक्वल टू दिस. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इस पे स्टार डाल लो. गिवन दैट सेल्स B1, B2, B3, B4 एंड B5. गिवन दैट cells B1, B2, B3, B4 and B5 contains the values 10, 20, 30, 40 and 50 respectively. Given that cells B1, B2, B3, B4 and B5 contains 10, 20, 30, 40, 50 respectively. तो B1 में कितना पड़ा है? 10. B2 20. B3 30. B4 right. Next, what will be the output in the case of, what will be the output in the case of following functions? In the case of following functions, number one, equal to average B1 colon B5. Second, equal to B1 exponent 2 plus B2 into 3 plus
बी थ्री एक्सपोनेंट थ्री। सॉल्व करो इनको। If B2 is greater than 20, then equal to min B1 colon B5, कोई नहीं उठेगा बैल होने पे, ये पहले सॉल्व करोगे। Got it? करो सॉल्व। कौन सा? हाँ चलो, एवरेज बी वन कॉलन बी फाइव, टेन प्लस ट्वेंटी थर्टी, थर्टी प्लस थर्टी सिक्सटी, सिक्सटी प्लस फोर्टी हंड्रेड, वन फिफ्टी। 150 डिवाइडेड बाय 5, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 30। एवरेज पता है ना कैसे निकलती है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर वैल्यू। एनी डाउट इन फर्स्ट? यस मिलन, इधर आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? अब ये वाले सम आपको पता ही है कि बेड मास के अकॉर्डिंगली करने हैं, प्रॉपरली करने हैं। एक्सपोनेंट टू, मैं यहाँ पे वैल्यूज फिल कर रही हूँ, बी वन एक्सपोनेंट टू मतलब 10 एक्सपोनेंट टू, प्लस बी टू इंटू थ्री 20 इंटू थ्री, प्लस बी थ्री एक्सपोनेंट थ्री। तो बॉड मास के अकॉर्डिंगली पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, पहले एक्सपोनेंट चलेगा। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? रेस टू पार। 10 रेस टू पार टू इज 20 इंटू थ्री इज 30 एक्सपोनेंट थ्री। हेयर मीन्स इज 30 इंटू 30 इंटू 30, 9 9 थ्री 27, कितना आया? 27,160। क्लियर? ये क्लियर है? 27,160 कैसे आया है? नेक्स्ट, अब इसमें आपको ये चीज पता है, जब बेड मास करते हैं, लिसन, सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर एक्सपोनेंट सॉल्व होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वेट, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक लेवल पे है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक लेवल पे है, बट आपको कैसे पता चलेगा पहले मैं कौन सा सॉल्व करूं? एक लेवल पे जरूर है लेकिन लेफ्ट टू राइट चलेंगे। आपको जोन सा पहले मिल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी लेफ्ट साइड, आपने पहले उसको सॉल्व करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में भी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन केस में भी। अब यहाँ पे आ जाओ, थर्ड वाला कर रहे हैं ना। बी फोर की वैल्यू कितनी है? 40 प्लस 50 माइनस 20 डिवाइड बाई टू इज 10 प्लस 30 इंटू टू इज 60। अब मैंने क्या बोला, ये सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, सेम प्लेस पे है, बट इट विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो 50 प्लस 40 माइनस 10 प्लस 60, 80 प्लस 60 140। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ बी टू इज ग्रेटर देन 20, 20 इज ग्रेटर देन 20, इक्वल टू नहीं दिया मैंने इसमें, तो दैट मींस कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स में कौन सा पार्ट चलेगा? बी फोर इंटू टू, द वैल्यू ऑफ बी फोर इज 40, 40 इंटू टू इज 80। क्लियर? लास्ट, मिनिमम ऑफ बी वन कॉलन बी फाइव 90-60 भी साथ में दिया है, तो लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 10। क्लियर? एनी डाउट? मैम एक बार इसके पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो।
हाँ जी बच्चे क्या कह रहे हो, एक बार इसके पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो मैम। कौन सा सर? मैम इसके पिछले वाला एक बार मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो बस, जो मैम आपने करवाया था। बच्चे प्लीज, अश्मित यू आर नॉट ऑडिबल। मैम कंटेंट्स वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो, इसके पिछले वाला, लास्ट वाला। यस मैम इसके इसके पिछला। B1 colon B5 to minimum value आपके पास 10 है, ठीक है, so that's why the answer is 10.